हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज की ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम राइस बैग या फिर आटा बैग की बोरी से बनाने वाले हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, आई होप आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने एक राइस बैग का यूज़ किया है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके की अगर आपके पास कोई भी दाल की या पैक राइस की या फिर आटे की कोई भी बोरी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कलरफुल है तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने एक कलरफुल बैग लिया हुआ है प्लास्टिक का, तो मैंने इसे कट कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे से कट कर लेंगे। तो इसको नीचे से कट करने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और इसको सीधा करने के बाद अब हम इसमें 4 इंच की स्ट्रिप को कट करेंगे। तो ऊपर नीचे दोनों साइड से 4-4 इंच की स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। और ऐसे करते हुए हम और भी सारी स्ट्रिप्स को कट कर लेंगे। अगर आप इसमें कलर कंट्रास्ट ग्रीन वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, वाइट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। और बस इसके बाद ऐसे करते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए ऐसे मैंने स्ट्रिप कट कर लिए, एक साइड में ये बिल्कुल वाइट है और एक साइड में ये कलरफुल है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जब स्ट्रिप को ज्वाइंट करेंगे तो एक साइड में हम वाइट रखेंगे और एक साइड में हम कलरफुल रखेंगे, जिससे कि हमें दोनों कलर मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे ताकि ये लंबी हो जाए और इसकी जो कलर है वो कलर कंट्रास्ट में हो जाए। ये देखिए ऐसे करते हुए, तो ऐसे मैंने सारी पीसेस को ज्वाइंट कर लिया है और इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो गई है। इसके बाद हमें लेना है सिंपली एक कार्डबोर्ड। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीस में कार्डबोर्ड कट किया है, आप स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में ऐसे कट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिप हमने कट की हुई है उसे लेना है, और हमें ले लेना है ऊन और सुई धागा। तो सिंपली पहले हमें इसको ऐसे करके अंदर की ओर कॉर्नर्स को बीच में लाना है और ऐसे करके हमें इसको मोड़ लेना है। ज़्यादा हमें इसको फोल्ड नहीं करना है, बस 3 या 4 बार ऐसे करके फोल्ड कर लें, बस ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे सुई धागे की मदद से इसको कॉर्नर में ज्वाइंट कर लेना है। और बस इसको लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऐसे से इसको राउंड कर लेंगे और फिर से एक और स्टिच लगा लेंगे ताकि ये ओपन ना हो। और उसके बाद अब हम यहाँ पे ये जो मैंने कार्डबोर्ड लिया हुआ है उसमें हमें इसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए बस हमें सिंपली इसमें से सुई को निकालना है कॉर्नर से। और कॉर्नर से निकालने के बाद हमें इसके ऊपर रखना है ऐसे, और बस अब हमें इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके हम इसमें से बीच में से इसको निकाल देंगे, फिर से दोबारा एक लाइन लेंगे, फिर से हम इसके में से ऐसे करके इसको निकाल देंगे। और बस हमें प्लास्टिक को मोड़ते जाना है और ऐसे करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करते जाना है। तो देखिए ऐसे पकड़ के हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। तो ये मैंने एक साइड कम्प्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और वैसे अब हम यहाँ से दूसरी साइड के लिए इसको बस सिंपली यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसको दूसरी साइड की ओर कर लेंगे और फिर से हमें स्टिचिंग इसकी स्टार्ट कर देनी है। तो ऐसे करते हुए हम दूसरी साइड की स्टिचिंग भी कर लेंगे और फिर ऐसे ही तीसरी साइड की भी कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने दूसरी साइड में भी स्टिचिंग लगा कर ली है। और फिर अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और फिर अब हम तीसरी साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे करते हुए हमें चारों साइड को कर लेना है कंप्लीट। और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जब हम इसकी नेक्स्ट लाइन बनाएंगे तो नेक्स्ट लाइन हमें कैसे बनाना है, यहाँ पे इसको बस फोल्ड करते जाना है और नेक्स्ट लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन में से हमें स्टिचिंग करनी है। पहले तो हमने कार्डबोर्ड में ज्वाइन किया था, अब हम इसे फर्स्ट लाइन में ज्वाइन करेंगे। और बस ऐसे सुई धागे से
इसे हम ज्वाइन करते जाएंगे। और ऐसे करते हुए हम पूरा इसको फिर से सेम प्रोसेस से स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी ये बन जाएगा। कार्डबोर्ड की मदद से इसका जो बेस है वो थिक हो जाएगा और उसके बाद आप इसको बॉर्डर को अच्छे से बना सकते हैं। इसको आप इस तरीके से करते जाएं और इसके बाद आप इसको पूरा स्टिच कर लें। और इसके बाद अब हम ऐसे करते हुए पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। इसको अच्छे से जितना आप फिक्स करेंगे टाइट से उतना ये होते जाएगा। और ऐसे करते हुए अब हम दूसरे साइड में भी फिर से हम सेम लाइन को कर लेंगे। तो देखिए कितनी इजी इसकी स्टिचिंग हो रही है और ये आपस में अच्छे से ज्वाइंट हो रहा है और ये कलर कॉम्बिनेशन भी आपका मिल गया है इसमें। तो आप जितना कलर चाहे उतना लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए दो लाइन कंप्लीट कर ली है और यहाँ से मैं थर्ड लाइन के लिए इसको रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं थर्ड लाइन भी अब ऐसे ही बना लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पर थर्ड लाइन भी बना लेंगे। उसके बाद आप जितनी चाहे इसमें हाइट दे सकते हैं। जितना आप ऊंचा बनाना चाहे इसको ऊंचा बना सकते हैं। जितना आप इसको गोल करना चाहे गोल कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं इसको पूरा हाइट देती जाऊँगी और इसको बनाते जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4-5 लाइन इसमें कंप्लीट कर लिए। एक लाइन और मैं इसमें बनाऊंगी जिससे कि इसकी हाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और अब हम इसको फिर यहाँ से स्टॉप करने के लिए सिंपली हमें ऐसे ही स्टिचिंग करते जाना है। और फिर उसके बाद जहाँ पे हमें स्टॉप करना है वहाँ पे हमें 2-3 नॉट लगा देनी है जिससे कि अच्छे से ये स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए ऐसे करते हुए हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे नॉट लगाकर यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये अच्छे से स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे नॉट लगाने से और ये फिक्स हो गया बिल्कुल। अगर आप चाहे तो और भी ज़्यादा ऊंचा बना सकते हैं इसको। सर्कल में चाहे तो सर्कल में बना सकते हैं, राउंड में चाहे तो राउंड में बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी डिज़ाइन से आप इसको फिक्स कर सकते हैं कार्डबोर्ड की मदद से। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही इजी ये बन जाएगा। और अब हम इसको धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम इसका बेस बना लेंगे। तो बेस बनाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे एक इसी प्लास्टिक का यहाँ पे एक पीस चाहिए जो कि हम लगा देंगे सेंटर में। ये मैंने इसी के साइज़ का कट किया हुआ है और इसको लगाकर हम ग्लू गन से या फिर फेविक्विक की मदद से इसको फेविग्लू की मदद से चिपका लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और ये बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसका कैप चाहे तो कैप भी आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ब्यूटीफुल सी बास्केट बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। जितना ऊंचा बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं, जितनी हाइट देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। और ये मैंने स्पेशली मोबाइल और चार्जर के लिए बनाया हुआ है जिसमें मेरे सारे जितने चार्जर्स वगैरह इधर उधर फेंके रहते हैं वो सब अब मैं एक जगह स्टोर करके इसमें रख सकती हूँ। जितने मोबाइल वगैरह हैं सारे मैं इसमें साइड में करके रख सकती हूँ। इसमें आप कोई भी अपने ज़रूरी सामान रख सकते हैं। काफ़ी आप ये बड़ा बना है, अगर इसका आप ढक्कन लगा देंगे तो वो भी आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेकार चीज़ों की मदद से इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैं इसे फ्रिज के टॉप पर रखूँगी तो इसलिए मैंने इसे बनाया है जहाँ से मुझे मोबाइल या चार्जर बिल्कुल ईजी मिल जाएगा। सो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।